हम लोगों ने बच्चों अंतःस्रावी तंत्र शुरू किया है। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो है हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो कुछ ग्रंथियों का समूह या अंगों का समूह जो क्या करता है, हार्मोन का स्रवण करता है, क्या कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अंतःस्रावी तंत्र और बहिःस्रावी तंत्र जो होता है उसमें अंतर क्या होता है ना। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो हार्मोन को रिलीज करता है, बहिःस्रावी तंत्र होता है वो क्या करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है। इस तरीके से हमने अंतर देखा था। अब हम लोग जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके अंदर हार्मोन को रिलीज करती है तो कौन करती है, ग्रंथियां करती है। ग्रंथियां क्या होती है, कोशिकाओं के मिलने से एक समूह बन जाता है, वो ग्रंथि होती है। तो मानव अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मानव अंतःस्रावी तंत्र जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, जैसे आप लोग पढ़ोगे सामने मैंने लिखी है तीन, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर गले में आपकी आएगी थायराइड ग्रंथि, थायराइड के पीछे होती है थाइमस ग्रंथि, जो कि हमारी थायराइड होती है उसके जस्ट पीछे पाई जाती है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी किडनी के ऊपर आती है अधिवृक्क ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कल बोला था मैंने कि अग्नाशय ग्रंथि होता है, वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कि अग्नाशय ग्रंथि का क्या वर्क है। उसके बाद जो जो हमारे अंडाशय होता है उसके अंदर भी हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन जो होता है वो मादा हार्मोन कहलाता है, और नर हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन वो वृषण में, तो वृषण और अंडाशय इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो ब्रेन में हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है वो तीन होती है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल। तीनों ही ध्यान रखना कहाँ मिलेगी, मस्तिष्क के अंदर हमको मिलेगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आती है ग्रंथि हाइपोथैलेमस, दूसरी है पीयूष ग्रंथि और तीसरी है पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि ये आपको दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस है, ये एक व्रंथ के द्वारा, व्रंथ यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर से ये किससे जुड़ी हुई है, ये पीयूष ग्रंथि है। ये जो आप देख रहे हो ना पीयूष ग्रंथि, ये इसके दो भाग है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो किससे जुड़ी हुई होती है, पीयूष ग्रंथि से। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेन के अंदर कहाँ उपस्थित होती है। तो जब हम मस्तिष्क की हम लोगों ने संरचना के बारे में अध्ययन किया था तो हम लोगों ने मस्तिष्क की संरचना को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तीन पार्ट में। कौन कौन से थे, अग्र मस्तिष्क था, मध्य मस्तिष्क था और कौन सा था, पश्चिम मस्तिष्क था, तीन थे। फिर उसके बाद हमने अग्र मस्तिष्क को वापस कितने में डिवाइड किया था, तीन हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड करके पढ़ा था ना, प्रमस्तिष्क पहला पार्ट था, फिर घ्राण था और जो तीसरा था अग्र मस्तिष्क पश्य, उसके हम लोगों ने तीन पार्ट पढ़े थे, चेतक है ना, अधिचेतक और अधोचेतक। तो अधोचेतक हम किसको कह रहे थे, हाइपोथैलेमस को कह रहे थे। तो हाइपोथैलेमस से ही क्या जुड़ी होती है, पीयूष ग्रंथि इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन रिलीज करती है, देखो कौन कौन से, पहला है मोचक हार्मोन और दूसरा है निरोधी हार्मोन। ये वो हार्मोन है, यहाँ पर आप सेकेंड ग्रंथि कौन सी देख रहे हो, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथ यानी एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से किससे जुड़ी हुई है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई है, राइट। तो ये जो हार्मोन रिलीज करती है, इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित करते हैं तो वो हार्मोन किसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं किसको, पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन को। नाम क्या है, मोचक, यानी वो हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेंगे कि वो अपना हार्मोन क्या करे, अब रिलीज करें। आ रही बात समझ में, पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन स्रावित करेगी, तब जाकर क्या करेगी, अपने हार्मोन रिलीज करना शुरू करेगी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होने वाले वो हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं वो तो होते कौन से, मोचक हार्मोन। फिर दूसरे टाइप के हार्मोन देखो, निरोधी, निरोध करना मतलब क्या होता है, रोकना है ना। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो क्या करती है, पीयूष ग्रंथि को, जैसे पीयूष ग्रंथि को ये हार्मोन क्या कर रहे थे, बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि भाई पीयूष ग्रंथि अभी तुम क्या करो, हार्मोन का निर्माण करना शुरू करो, वो काम कौन कर रहा था, मोचक कर रहे थे, ठीक है। अब जब क्या होगा, निरोधी हार्मोन आ जाएंगे,
तो ये जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि रिलीज कर रही है, वो रिलीज होना या स्रावित होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जब भी मोचक हार्मोन को रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि कुछ अपने हार्मोन्स को रिलीज करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है, ठीक है। और जब वापस ये हाइपोथैलेमस निरोधी हार्मोन रिलीज करती है, तो पीयूष ग्रंथि ने जो बनाना शुरू किया था हार्मोन, अब वो हार्मोन क्या हो जाएंगे, बनाना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन है वो रिलीज किए जाते दो तरीके के। अब एक बड़ी स्पेसिफिक बात है कि पीयूष ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं, ये पीयूष जो देख रहे हो, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की ये कोशिका, अब उससे ऊपर जुड़ा हुआ क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करती है, पहला होता है एडीएच और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन मैंने जो लिखे हैं ये बनते हाइपोथैलेमस में, कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में, लेकिन बनने के बाद किधर आ जाते हैं, पीयूष ग्रंथि में। तो इनको स्रावित करने का काम कौन करेगा, पीयूष। इन दोनों हार्मोन को स्रावित करने का काम करेगा पीयूष ग्रंथि, लेकिन इन दोनों हार्मोन का निर्माण कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में। बात समझ में आ रहा है, तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को बनाने का काम तो कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, लेकिन बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि। आगे बात समझ में। तो जब भी पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्रवण कौन करता है, तो आंसर इज पीयूष ग्रंथि, और निर्माण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। समझ में आ गया, तो ये हो गई हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है नीचे आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है क्या होती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। क्या कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ग्लैंड नहीं बोलेंगे हिंदी में, मास्टर ग्लैंड ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके द्वारा कुछ हार्मोन बनते हैं जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, मतलब अन्य ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। आ रही बात समझ में, जैसे बच्चे क्लास में हैं तो क्लास में आप सबको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, टीचर ही देगा ना, है, तो उसको क्या बोलते हैं, टीचर को हम मास्टर बोलते हैं, राइट, बोलते हैं ना। तो वैसे ही जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कुछ ऐसे हार्मोन बनाती है जो हार्मोन क्या करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र की अन्य ग्रंथियों को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन देगी तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन बनाना शुरू करेगी, हाइपोथैलेमस निरोधी हार्मोन रिलीज करेगी तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन बनाना क्या हो जाएगी, बंद कर देगी। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, तो इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन इस मास्टर ग्रंथि को भी कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर मतलब मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, हाइपोथैलेमस कहलाती है। अब पीयूष ग्रंथि को आप देखो, ये इस तरह से एक व्रंथ से किससे जुड़ी हुई होती, इनफंडिबुलम कहते हैं इसको, व्रंथ को, है ना। तो ये इनफंडिबुलम के द्वारा ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, और कहाँ पाई जाती है, जो हमारा अग्र मस्तिष्क पश्च होता है उसके आधारीय भाग पर ये पाई जाती है। अब इसके दो भाग होते हैं, ये आगे देख रहे हो अग्र पीयूष और ये देख रहे हो पश्च पीयूष। बुक में दोनों नाम दिए हुए, अग्र पीयूष को किस नाम से जाना जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस से जाना जाता है, और पश्च पीयूष को किस नाम से जाना जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन सोमेटोट्रोपिन होता है, इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि जो होती है वो इस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण में मदद करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है ना हमारी गले के अंदर, तो थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, लेकिन ये थायराइड ग्रंथि तभी अपना हार्मोन बना पाएगी जब पीयूष ग्रंथि से कौन सा आएगा, थायराइड प्रेरक हार्मोन आएगा, तभी ये थायराइड ग्रंथि यहाँ काम करेगी, समझ आ रहा है। फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वो हार्मोन है जो हम नरों के अंदर तो वृषण और मादा के अंदर अंडाशय से बनने वाले
अंडाशय में जो हार्मोन बनते हैं है ना, उनको बनने के लिए प्रेरित करने का काम किसकी उपस्थिति में होगा? गोनेडोट्रोपिन की मदद से होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसको रेगुलेट कर रहा है? वृषण को, अंडाशय को कर रहा है, और यहाँ पर थायराइड ग्रंथि को थायराइड प्रेरक हार्मोन कर रहा है। यानी ये ग्रंथियां दूसरी है, वृषण एक अलग ग्रंथि मानी जा सकती है, अंडाशय एक अलग ग्रंथि मानी जा सकती है, थायराइड एक अलग ग्रंथि है ना, लेकिन इनको इनके द्वारा स्रावित हार्मोन को निकलने के लिए या स्रावित होने के लिए, रिलीज होने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कर रहे हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि हमारी क्या कहला रही है? मास्टर ग्रंथि कहला रही है। समझ में आया? तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। ये नाम जो है पूछे जाते हैं एक नंबर में कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग कौन कौन से हैं, या फिर उदाहरण पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैंने कहा था कि वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, लेकिन स्रावित करने का काम कौन करता है? पीयूष। तो आपकी बुक में ध्यान रखना, श्रवण के मामले में इसको कहाँ दिया हुआ है? पीयूष ग्रंथि के साथ दिया हुआ है। तो श्रवण हमेशा वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का पीयूष ग्रंथि करेगी। फिर आती है ब्रेन के अंदर होता है एक और ग्रंथि, होती है छोटी सी मटर के आकार की, जो होती है पीनियल ग्रंथि। तो ये अग्र मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है। किसके? अग्र मस्तिष्क के ऊपर। आप लोगों ने देखा है कि कौन कौन से भाग होते हैं मस्तिष्क के? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पहला भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है। इसके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सा हार्मोन बनाया जाता है? तो मेलेटोनिन नामक हार्मोन बनाया जाता है। अब मेलेटोनिन का स्रवण तब शुरू करता है जब आप अंधेरे के अंदर आ जाते हो। मेलेटोनिन कब स्रावित होता है बेटा? जब आप अंधेरे कमरे के अंदर होते हो, तो मेलेटोनिन का स्रवण जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे ही मेलेटोनिन की मात्रा जो है रक्त के अंदर बढ़ी, आपको क्या आना शुरू हो जाती है? नींद। आ रही बात समझ? और जैसे ही लाइट आ गई, उजाला हुआ, उजाला होने के बाद जो मेलेटोनिन हार्मोन ये बना रही थी पीनियल ग्रंथि, वो बनाना कम कर देती है। हमारे रक्त के अंदर के किसकी मात्रा हो जाएगी? मेलेटोनिन की मात्रा कम हो जाएगी और वापस हम क्या हो जाएंगे? जग जाएंगे। तो ये जो अपने आप हम लोग, क्यों होता है रात होती है हमें नींद क्यों आने लग जाती है? क्योंकि अंधेरा हो जाता है और ये पीनियल ग्रंथि क्या स्रावित करना शुरू कर देती है? मेलेटोनिन हार्मोन शुरू कर देती है। फिर जैसे ही इन्वायरमेंट में क्या होता है? उजाला हो जाता है, चारों तरफ उजाला होते क्या होता है? मेलेटोनिन जो स्रावित हो रहा है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, वो रिलीज होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगी? नींद खुल जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेलेटोनिन होता है वो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, दैनिक जो एक लय चलता है, एक जो क्लास चलती है ना, हमको उठाओ भी नहीं तो हम उठ जाएंगे सुबह सुबह। अगर आप टाइम से सोए हो ना रात को, तो आप ऑटोमेटिकली सुबह उठ जाओगे। वो इसी वजह से कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो एक घड़ी होती है वो पाई जाती है, जो दिन और रात के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को नियमित करने का काम करती है। इसीलिए रात होते ही नींद आती है और सुबह होते ही हम लोग क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। तो ये तीन जो ग्रंथियां हैं वो हमारी क्या है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अभी हम लोग देखेंगे गले में उपस्थित जो ग्रंथियां होती है, थायरॉइड ग्रंथि होती है और थायमस ग्रंथि होती है। थायमस तो इधर होती है, हम लोग उन ग्रंथियों के बारे में क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे गले में कौन कौन सी दो ग्रंथियां होती है? तो फर्स्ट वन इज थायराइड ग्रंथि, नाम सुना है आप लोगों ने, और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है। आपके थाइमस ग्रंथि नहीं है, आपकी पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो देखो कोर्स के अंदर थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारा गले में स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र के नीचे ये जो हमारा है स्वर यंत्र, पढ़ा है हम लोगों ने श्वसन वाले चैप्टर में। तो स्वर यंत्र के नीचे, ये हमारी स्वर यंत्र के नीचे क्या आती है? श्वास नली। तो श्वास नली के दोनों ओर इस तरह से, ये वाली आप देख रहे हो, ये वाली, ये एच आकार की ग्रंथि होती है। किस आकार की? एच आकार की ग्रंथि होती है। दो रज्जु होते हैं बीच में इस तरह से, जो दो मतलब इसके भाग जो होते हैं वो बीच में एक रज्जु से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये जो है आयोडीन की उपस्थिति में, कौन सा कंटेंट? आयोडीन, नमक में आयोडीन उपस्थित होता है, वी नो दैट ना। तो आयोडीन की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये वाली ग्रंथि? थायरोक्सिन हार्मोन करती है, जो कि क्या करता है हमारे शरीर में? क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का काम बताइए, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है।
तो आरबीसी का यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना जो हमारी रक्त में आती है, रक्त का मेन कंटेंट होती है। फिर होती है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय करना, मतलब उनसे जो ऊर्जा प्राप्त करती हैं उनको तोड़कर, उनको तोड़ना, उनके छोटे छोटे अणुओं को वापस जोड़ना, ये सारी क्रियाएं जो होती है उसको करने में कौन मदद करता है? थायराइड ग्रंथि जो है स्पेशली हेल्प करती है, किसकी मदद से? थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करके। समझ आ गया? अब देखो, अगर ये आयोडीन नहीं हुआ, ये आयोडीन नहीं हुआ तो ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? यानी देखो, पीयूष ग्रंथि जो होती है, सबसे पहले समझना, पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा थायरॉइड प्रेरक हार्मोन रिलीज किया जाता है। कौन सा हार्मोन बनाया जाता है? थायरॉइड प्रेरक। ये पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन है वो रक्त में डालती है। रक्त कहाँ आएगा? थायरॉइड ग्रंथि के पास। ठीक है, थायरॉइड ग्रंथि की जो कोशिकाएं हो जाती है वो सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय हो जाएगी दैट मीन्स अभी ये लायक हो गई किसके? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के। अब जैसे ही आयोडीन मिलेगा तो ये थायरॉइड की ग्रंथियां जो थायरॉइड की कोशिकाएं हैं वो किसको बनाना शुरू करेगी? थायरोक्सिन को। बट जब ये अगर आयोडीन नहीं होता तो क्या होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि ये जो ग्रंथि है वो थायरोक्सिन जब नहीं बना पाती है तो ये ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। ये फूलेगी तो इसमें सूजन आएगी, तो क्या होगा? गले में सूजन आएगी, है ना? और जो रोग हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गलगंड रोग कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं, या गोइटर रोग कहते हैं। समझ आ रहा है? तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो गलगंड या घेंगा, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो नहीं बन पाएगा अगर आयोडीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है वो थायरॉइड ग्रंथि है, जो थायरॉइड ग्रंथि है उसके पृष्ठीय भाग, मतलब यहाँ पर इस तरह से 1, 2, 3 और 4 छोटे छोटे चार पिंडों के रूप में थायरॉइड ग्रंथि के ही पृष्ठीय भाग पे क्या होती है? उपस्थित होती है। समझ आ गया? फिर उसके बाद है ये कौन सा हार्मोन बनाती है? तो ये बनाती है पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक, इसके द्वारा ये पैराथार्मोन हार्मोन जो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि बना रही है ये क्या करेगा कि जो रक्त के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा है उसकी मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन हार्मोन। अगर ये पैराथार्मोन हार्मोन नहीं है तो कौन सा रोग हो जाएगा? टिटेनी रोग हो जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि टिटेनी रोग जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से होता है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि देखेंगे, फिर अधिव्रत ग्रंथि देखेंगे, और फिर हम लोग लास्ट जो है दो ग्रंथि और बचती है वो हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि आती है वो क्या होगी? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी? गले के बाद हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है? हम लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ा है कि ये जैसे अमाशय होता है इस तरीके से, अमाशय के बाद इधर ग्रहणी आती है और यहाँ पर जो अग्नाशय ग्रंथि है वो पाई जाती है पत्ती के समान, है ना? ये अग्नाशय ग्रंथि होती है किसके बाद? अमाशय के बाद। ये ग्रहणी वाला हिस्सा है जो कि किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। तो यहाँ इससे जुड़ी हुई होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो इंसुलिन करती है और एक ग्लूकेगोन करती है। प्लस देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये पाचक एंजाइम भी रिलीज करती है। एंजाइम रिलीज करने का काम किसका है बेटा? बाह्य स्त्रावी तंत्र का, है ना? और हार्मोन कौन बनाता है? अंतःस्त्रावी। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या हो गई? मिश्रित ग्रंथि हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तरीके से काम कर रही है, अंतःस्रावी भी काम कर रही है और बहिःस्रावी भी काम कर रही है। बहिःस्रावी के रूप में ये एंजाइम बना रही है और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन रिलीज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हार्मोन जो होते हैं इंसुलिन, ग्लूकेगोन और तीसरा मैंने इधर लिखा है डायग्राम में आपके सोमेटोस्टेनिन, है ना? सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज किया जाता है। तो देखो क्या होता है, लैंगरहैंस द्वीपिका पाई जाती है। जैसे ये अग्नाशय ग्रंथि है अगर उसको हम काटते हैं
तो उसमें ऐसी बहुत सारी, ये मैंने एक बनाई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्या होती है, लेंगरहैंस की दीपिकाएं होती है। ठीक है, किसकी? लेंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, किसके अंदर? इस पीयूष ग्रंथि के अंदर। मैंने एक बनाई है, लेकिन ऐसी की ऐसी बहुत सारी होती है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बाह्य त्वचा जो होती है वो पाई जाती है। तो इसको काटते हैं तो एक लेंगरहैंस दीपिका की संरचना ऐसी होती है। अब लेंगरहैंस की दीपिका के अंदर इसकी संरचना को पहले समझो। लेंगरहैंस की दीपिका जो होती है उसके अंदर देखो, बाहर जो कोशिकाएं पाई जाती है, ये इस तरह से फूल जैसी बना रखी है ना मैंने, ये होती है एसिनाई कोशिकाएं। क्या कहलाती है बेटा? एसिनाई कोशिकाएं। ये पाचक एंजाइम का स्रवण करती है, समझ आ गया? फिर उसके बाद अंदर अगर हम एक लेंगरहैंस दीपिका के अंदर देखते हैं तो तीन तरीके की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और ये है डेल्टा। कौन कौन सी होती है? अल्फा, बी से बीटा और डी से डेल्टा। तो ये तीन तरीके की कोशिका होती है। अल्फा हमेशा ग्लुकेगोन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन बनाती है? ग्लुकेगोन। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा। बीटा कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन कौन सा रिलीज किया जाता है? इंसुलिन। और डेल्टा आपके में नहीं है बट फिर भी बता रही हूँ, सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो है एक जो लेंगरहैंस की दीपिका है उसकी कोशिका जो है संरचना एक तरीके से ना, उसकी जो कोशिकाएं जो पाई जाती है वो है। और ऐसी कई लेंगरहैंस की दीपिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, किसमें? अग्नाशय ग्रंथि के अंदर। अब देखो यहाँ पर इंसुलिन और ग्लुकेगोन किससे रिलीज होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि आपके कोर्स में है। तो इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिकाओं के द्वारा, और अल्फा कोशिका को किसको रिलीज करती है? अल्फा कोशिका ग्लुकेगोन हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, फिर है ये इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है? इंसुलिन जो है देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? शर्करा होती है। शर्करा मतलब सुगर, ठीक है, यानी जो ग्लूकोज होता है वो। ग्लूकोज एक क्या है? शर्करा है ना, जो कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज जो होता है उसको जितना हमारे शरीर को चाहिए, हमने जो भोजन लिया, सपोज करो केला खाया, केले में ग्लूकोज है, तो जितना हमारे शरीर को जरूरत थी उतना तो ग्लूकोज हमारे रक्त के अंदर क्या हो गया? काम में ले लिया गया शरीर के द्वारा। उसके अलावा अगर हमने अतिरिक्त ग्लूकोज लिया है, यानी अधिक शुगर ली है, शर्करा ली है, तो हमारे शरीर को क्या होगी? हानि पहुंचेगी। अतिरिक्त शुगर हमारे शरीर को क्या करेगी? गाढ़ा कर देगी खून को, है ना? तो उससे संचरण क्या होगा? रुक जाएगा। बहुत सी हमें क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस अतिरिक्त जो शर्करा है उसको ये इंसुलिन किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है हमारे यकृत में। ठीक है, समझ आ रही है बात? इंसुलिन क्या करता है? रक्त के अंदर उपस्थित अतिरिक्त जो ग्लूकोज या शर्करा होती है उसको किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है, ताकि अतिरिक्त शर्करा की मात्रा हमारे रक्त के अंदर उपस्थित नहीं हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्लाइकोजन है स्टोर हो गया यकृत में। अब सपोज करो आपने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं, है ना, फास्ट पे हो आप, 2 दिन उपवास कर रखा आपने, दैट मींस आपके शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही? ग्लूकोज नहीं मिल रही। तो वैसी कंडीशन में फिर क्या होगा बेटा? शरीर को ग्लूकोज तो चाहिए, तो क्या किया जाएगा? इस ग्लाइकोजन को वापस किस में बदल दिया जाएगा? ग्लूकोज में। और बदलेगा कौन? ये ग्लूकेगोन हार्मोन है वो बदलेगा। कौन बने बदलेगा? ग्लूकेगोन हार्मोन बदलेगा। समझ आ गया? फिर उसके बाद ये आपको मैंने डेल्टा कोशिकाओं में सोमेटोस्टेनिन हार्मोन लिखा है, ये क्या करता है? इन दोनों हार्मोन को रिलीज होने से क्या करता है? रोकता है, मतलब इन दोनों के हार्मोन के विपरीत काम करता है ना। तो ये हो गया उसका, वो आपके नहीं है बट आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इंसुलिन का क्या काम क्या है, ग्लूकेगोन का काम है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ये जो ग्लाइकोजन है उसको अगर वापस ग्लूकोज में बदलना हो तो ग्लूकेगोन काम करेगा। समझ आ गया? अब जिन व्यक्तियों के रक्त में क्या होता है, जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं पाया जा कम बनता है, ठीक है, इंसुलिन क्या होता है? बहुत कम बनता है, तो उनके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? शर्करा की मात्रा यानी शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। तो जब शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये रोग क्या कहलाएगा? मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग या डायबिटीज। तो
तो ध्यान रखना कि किसकी कमी से होता है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन अगर नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ये ग्लूकोज किस में मिक्स रहेगा, रक्त में, इससे शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी मधुमेह रोग कहलाती है। समझ आ गया? तो ये तो हुआ हमारा जो यकृत, सॉरी अग्नाशय ग्रंथि जो है उसके वर्क हो गई। ये आपके पाचन तंत्र में भी काम आएगी, इसलिए आपको बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। फिर यहाँ पे बाहर की तरफ जो ऐसी नहीं जो कोशिकाएं होती है वो पाचक एंजाइम बना रिलीज करती है, तो वो पाचक एंजाइम जो है भोजन का, पाचन का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अग्नाशय किस तरह से पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन होता है सबका क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। फिर आती है नेक्स्ट ग्रंथि हमारी, होती है कौन सी ग्रंथि, अधिव्रक्त ग्रंथि। अधिव्रक्त ग्रंथि में देखो, अधि मतलब होता है ऊपर, व्रक मतलब होता है किडनी, तो दो किडनियां होती है, दोनों किडनियों के ऊपर टोपी के समान जो ग्रंथि पाई जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, अधिव्रक्त ग्रंथियां कहलाती है। अब इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उन्हें आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन वो कंडीशन होती है जैसे डर लगता है हमें, क्रोध में हम होते हैं, तो वैसी कंडीशन में इन हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जब हम डरते हैं तो हमारी श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हमारा हार्ट क्या होता है, फटाफट फटाफट बीट करने लग जाता है ना, ज्यादा ऊर्जा की हमारे शरीर को क्या होती है उस समय आवश्यकता होती है, श्वास दर बढ़ जाती है ना। तो जो हार्मोन इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं उन्हें आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि आपात स्थिति के अंदर ये हार्मोन क्या होते हैं, जो इनकी मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद दो तरीके के हार्मोन ये रिलीज करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। समझ में आ गया? एड्रेनलिन क्या करेगा, जब भय की कंडीशन में, डर की कंडीशन में, क्रोध की कंडीशन में हम होते हैं, आपातकालीन स्थिति में होते हैं, तो हृदय की दर को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को बढ़ा देता है, रक्त का जो थक्का बनता है, जब हमें चोट लगती है तो रक्त का जो थक्का बनता है ना, ताकि ब्लड क्या हो जाता है, होता है चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम बाद अपने आप क्या होता है, मांस सा जम जाता है और खून बहना क्या हो जाता है, बंद। तो रक्त का थक्का जो होता है वो बनने में क्या करता है, मदद करता है। फिर नॉर एड्रेनलिन वापिस हृदय दर को थोड़ा नॉर्मल लाता है, बीपी को थोड़ा नॉर्मल लाता है, तो इस तरीके से जस्ट इसके क्या करता है, अपोजिट काम करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आपातकालीन हार्मोन होते हैं, जो कि किसके द्वारा किए जाते हैं, अधिव्रक्त ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसके बाद जो है लास्ट आपके बच रहे हैं दो, एक तो होगी अंडाशय और एक होता है वृषण, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसे इसके बारे में पढ़ा है कि कौन से हार्मोन बनाता है, लेकिन फिर भी इनके काम हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो इसके बाद लास्ट जो हमारी इंपोर्टेंट ग्रंथि देखते हैं हम, नरों में पाई जाती है वृषण ग्रंथि और मादाओं में पाई जाती है कौन सी, अंडाशय ग्रंथि। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या काम है इनका। अंडाशय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राथमिक अंग कहते हैं वृषण को, नरों में प्राथमिक अंग कहते हैं, जनन अंग वाला जो चैप्टर था उसके अंदर है ना। तो देखो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है दोनों में, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, तब नरों के अंदर वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है, नर हार्मोन का नाम बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये जो है क्या काम करता है, नर जनन अंग विकसित करता है, नर के जो जनन अंग होते हैं उनको डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है, नरों के जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है उनका विकास करता है, मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन, मसल्स बनना, यहाँ पर जो स्वर यंत्र के रूपांतरण से क्या होता है, स्वर यंत्र जो होती है उसके जो उपास्थि होती है वो बाहर निकल जाती है, उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये एडम्स एप्पल जो होती है, बाहर निकली हुई थी ना लड़कों की हड्डी, वो जो होती है एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो एडम्स एप्पल का निर्माण होना, शुक्राणु निर्माण करना, ये शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना, मतलब शुक्राणु निर्माण हो उसकी सिचुएशंस बनाती है। ठीक है, तो ये काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये वृषण तभी करेगा जब पीयूष ग्रंथि क्या देगी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन देगी।
फिर अंडाशय ग्रंथि मादाओं में होती है, इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो मादा हार्मोन के नाम बताइए तो कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। क्या काम है, लैंगिक जो है हार्मोन लिखा है सॉरी, लैंगिक अंगों का क्या करना, विकास करना। हार्मोन क्या करते हैं, लैंगिक अंग जो होते हैं मादा के, है ना, उनको विकसित होने में मदद करता है। लैंगिक अंग क्या होते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग जनन तंत्र के अंदर। फिर है मासिक चक्र, जो माहवारी आती है लड़कियों को हर महीने, उसको नियंत्रित करता है। गर्भ धारण जो करती है लड़कियां उसको नियंत्रित करता है। और द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं, आवाज का पतला होना, जननांगों में बालों का आना, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सब नियंत्रित किए जाते हैं इन हार्मोन के द्वारा। एक और ग्रंथि है जो होती है बच्चों में पाई जाती है, किसमें, जब छोटे होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है। कहाँ पर, ये जैसे सपोज ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हर्ट है, तो इस ह्यूमन हर्ट पे यहाँ पर आप ह्यूमन हर्ट आपने पढ़ा है, तो यहाँ होती है क्या चीज, महाधमनी। ये महाधमनी जो है, इस महाधमनी के ऊपर की तरफ ऐसे क्या होती है, एक थाइमस ग्रंथि पाई जाती है छोटी सी, ठीक है, बच्चों के अंदर होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी जो है साइज छोटी होती जाती है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, थाइमोसिन नामक एक हार्मोन बनाया जाता है। कौन सा हार्मोन बनाया जाता है, थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि बेसिकली क्या काम करती है कि जो श्वेत रक्ताणु होते हैं, है ना, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको मदद करती है, बाहर से कोई भी जीवाणु वगैरह आते हैं उनको मारने में मदद करती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र जो है कंप्लीट होता है। उसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है सेकंड, जो वन ऑफ द मोस्ट, जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है आपकी बुक का, वो यहाँ पर खत्म होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन अथवा में से इसमें से आता है, प्लस 1 नंबर का एक क्वेश्चन अलग से आता है। तो आप इसको अच्छे से करें, अच्छे से जो नोट्स दिए गए हैं वो लर्न करें।